हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ग्रेडियंट एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2023 के एक और प्रॉब्लम जो 2 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। सो प्रॉब्लम क्या है? ये सिलेंड्रिकल बार है जिसकी लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शन गिवन है और बोला हुआ लीनियर इलास्टिक मटेरियल है विद डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस। और बार को सस्पेंड किया गया है यूनिएक्सियल में ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, टेंशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो उन्होंने इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार पूछा हुआ है और उन्होंने जी की वैल्यू दी हुई है। सो अगर हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? यू इक्वल्स टू ए टू बी, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी है किसके लिए? एक स्ट्रिप के लिए। और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द लेंथ, वो हमें किसका देगा? स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दैट बार। सो हम क्या करेंगे, इस जो बार है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसमें से हम एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी थिकनेस है डी एक्स, लेंथ हम मान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स। सो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस एल है तो एल माइनस एक्स। अब ये स्ट्रिप यहाँ पे है तो इसके लिए वेट कौन सा रहेगा? जो इस स्ट्रिप के नीचे का वेट है, ये वाला वेट, ये वेट इसके लिए लोड की तरह काम करेगा। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू वेरी करेगी, हमारा लोड वेरी करेगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, लोड चेंज हो रहा है एक्स के साथ। तो हम लोड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमें पता है डेंसिटी है, मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो डेंसिटी है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया, सरफेस एरिया इनटू लेंथ। इस केस में जो लेंथ है हमारी वो एल माइनस एक्स है, ये वाली लेंथ। सो इस स्ट्रिप के ऊपर कितना वेट लगेगा? ये वेट लगेगा। तो हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये मास है और हम फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी। सो ये हो जाएगा ये हमारा लोड हो गया उस स्ट्रिप के ऊपर। एरिया यूनिफॉर्म है तो ए और ई कांस्टेंट रहेंगे। सो अब वेरी कैसे करेगी लेंथ हमारी? एक्स इजिकल टू जीरो टू एल। सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो ये एल माइनस एक्स आएगा। सो कुछ टर्म कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, स्क्वायर अपॉन टू ए ई। एक्चुअली यहाँ पे जो ए है वो एस दिया हुआ है तो 2s ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू l l माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले इसको ओपन अप करना पड़ेगा, रो s g का होल स्क्वायर अपॉन 2s l। सो a माइनस b l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एल एक्स डी एक्स, रो एस जी स्क्वायर अपॉन में टू एस एल हो जाएगा। एल स्क्वायर एक्स प्लस
एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू इंटू एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एल लिमिट। टू एस एल ये हमें गेट में ड्राइव नहीं करना, इसको याद करना है, पर अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। एल क्यूब प्लस एल क्यूब बाई थ्री माइनस एल क्यूब, क्योंकि बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे। सो हमारा फाइनल फॉर्म रहेगी रो एस जी का होल स्क्वायर अपॉन टू एस, सॉरी ये ई है, टू एस ई इंटू एल क्यूब बाय थ्री, यहाँ पे भी ये ई आएगा। एल क्यूब बाय थ्री, अब क्या करेंगे हम, डेंसिटी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, अब यहाँ से एल स्क्वायर ले लेंगे, जी स्क्वायर ले लेंगे और एल को अलग रखेंगे, टू एस ई। सो ये जो टर्म रहेगी हमारे लिए, ये या तो हम उसको वेट कन बोल दें या फिर हम इसको डेंसिटी की टर्म में ही रखें, तो हम इसको डेंसिटी की टर्म में ही रखते हैं। और एल बाई थ्री था तो ये टोटल हो गया सिक्स, रो स्क्वायर एल क्यूब एस जी स्क्वायर बाय सिक्स ई, ये हमारा फाइनल फॉर्म हो गया फॉर्मूले का। अब उन्होंने क्या 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 कुछ गिवन है, उन्होंने ई की वैल्यू गिवन है, एल है, डेंसिटी है, एस है, जी है, तो अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। सो डेंसिटी कितनी है, 2700 स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.81 का स्क्वायर, लेंथ है 5 का क्यूब और एरिया है 10, 6 इंटू 70 इंटू 10 टू द पावर 9, सब हम SI यूनिट में रख रहे हैं। सो फाइनल आंसर आएगा 2.09 न्यूटन पर मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 2.09 जूल, और आंसर किस में पूछा था, जूल में। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2.09। थैंक यू, अगर कुछ और डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, और अगर कुछ एडिशनल चेंज करना चाहते हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना। थैंक यू वेरी मच।